मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वेदनी कर्म के उदय से कैसे कैसे दुख होते हैं और उन दुख को दूर करने के लिए कैसे कैसे झूठे झूठे उपाय करता है, उन सब की हमने चर्चा की थी। और अंत में बहुत सुंदर चर्चा की थी कि पुण्य का उदय, साता का उदय तो बहुत किसी के बहुत कम समय के लिए होता है, प्रायः मुश्किल समय तो हमारा असाता का उदय होता है। उन सब में हम कैसे कैसे दुखी होते हैं उनकी चर्चा की थी, उसकी चर्चा आज हम यहाँ पर आगे करते हैं। पेज नंबर 60 आप निकाल लें ग्रंथ में। ये जो बात अपन ने कल की थी कि साता का उदय तो पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है, बहुत जीवों को बहुत काल असाता का उपाय रहता है, इसलिए वो जो उपाय करते हैं वे झूठे हैं। अब इसी बात को टोटरमल जी आगे बढ़ाते हैं कि बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हो सो ही भ्रम है। इसको आप अंडरलाइन करो, माने हाईलाइटर से, ताकि आप खोलो तो आपको दिखाई दे कि बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं सो भ्रम है। अब इस बात के लिए आपको कितने उदाहरण चाहिए, क्यों? बाह्य सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है, नहीं। फिर सुख दुख का कारण क्या है? कि उनके प्रति हमारा थॉट। अब मैं कहता हूं कि पुत्र सुख का कारण के दुख का कारण, कभी वही सुख का हो जाता कभी दुख का हो जाता है। संपत्ति सुख का कारण के दुख का कारण, वही सुख का कारण कभी दुख का कारण। अच्छी शर्ट वो सुख का कारण के दुख का कारण। कि आपका उसके प्रति थॉट क्या है, इसके आधार से वो निर्णय होगा कि वो आपके लिए सुख का कारण है कि दुख का कारण। सही। इसे संपत्ति बाह्य सामग्री सुख दुख का कारण तो भ्रम है। क्यों? क्योंकि सुख दुख तो साता का असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होते। इसमें दो बातें जोड़ी, एक तो साता असाता का उदय, लेकिन साता असाता का उदय भी एज इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। सही है। कि वो कब, कि जब तक उसके प्रति राग द्वेष ना हो, जब तक उसमें इष्टनिष्ठ कल्पना नहीं हो, माने जब तक उसमें ये मेरा ये तेरा ऐसा विचार नहीं हो, जब तक वो साता साता का उदय भी दुख नहीं देता। क्यों? असाता साता का उदय तो हमने अपने मुनिराजों के लिए कितना देखा, लेकिन उनको वो दुख का कारण नहीं बना, नहीं बना। सही। शालिनी को सुकमाल मुनि का शरीर खा गई, तो फिर असाता का उदय तो इतना प्रतिकूलता है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन वो उनको केवल ज्ञान के लिए कारण बन गया। सही है। आदिनाथ को कमठ ने महावीर को पार्श्वनाथ को कमठ ने कम डंडे नहीं मारे, लेकिन उनको वो दुख की जगह केवल ज्ञान का कारण है ना। क्यों? क्योंकि उसके प्रति उनका अटैचमेंट नहीं। इसलिए साता साता का उदय प्लस मोह का उदय, क्योंकि ड्राइवर तो मोह का उदय है, समस्या तो मोह के उदय की है, बाकी कोई चीज की समस्या है ही नहीं। इसकी सेना का सेनापति तो ये ही है, और ये सेनापति ना रहे तो बाकी सेना सुख दुख के लिए कारणभूत होती ही नहीं है। सही है। देखो ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता। अभी टोटम जी एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दे रहे हैं, आप पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ। लक्ष्य धन के धनी को सहस्त्र धन का व्यय हुआ तब वह तो दुखी है, और सत धन के धनी को सहस्त्र धन का शास्त्र धन हुआ तब वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे 99 गुनी है, अथवा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है, और सत धन के धनी को संतोष है तो वह सुखी है। ये क्या कह रहे हैं? सरल भाषा में अगर मैं कहूं कि कोई आदमी का 1,00,000 रुपए थे, हाँ, और उसने किसी को 1,000 रुपया दे दिए, समझ लो कोई चंदा मांगने आया, हाँ। वो चाहता था 200 रुपये दूं, लेकिन समाज के प्रभावशाली लोग आते, अरे भाई साहब बड़े आदमी हो आप नहीं दोगे तो कैसे चलेगा, नहीं नहीं 11,000, नहीं नहीं भाई साहब 11,000 नहीं 5,000, 5,000 नहीं, चलो 1,000 रुपये, 1,100 रुपये तो लिखाओ, ठीक है साहब 1,100 लिख लो। अब उसके दिल में हाय 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 1,100 रुपये चलेगा, 1,100 रुपये चलेगा। इसके बाद उसके बाद अभी समझ लो 99,000 रुपया बचे हैं, 1,00,000 रुपए थे, 1,100 रुपए चले गए, 99,000 रुपए तो भी 99,000 बचे ना। अब दूसरा आदमी पकड़ो, एक आदमी तो ये हुआ, अब दूसरा आदमी पकड़ो कि जिस आदमी के पास 100 रुपया थे और वो तकलीफ में था, तो किसी आदमी ने उसको 2,000 रुपए दे दिए, तो उसके पास कितने हो गए, 2,100, और वो खुश हो गया। उसने मांगे उससे कि भाई मुझे 1,000 रुपए चाहिए, उसने उसको 2,000 दे दिए, तो ये खुश हो गया। कितने रुपए होने पे? 2,100 रुपये होने पर। और जे दुखी हो गया, 99,000 होने पर, माने 99,000 हैं तो दुखी है, और ये 2,000 रुपया हैं तो सुखी है। तो सुख दुख का संबंध कितनी चीज है, स्टॉक कितना है, इसके आधार से कहाँ रहा? क्योंकि अगर स्टॉक के आधार से सुखी हो तो इसका तो 99,000 है, हाँ। इसका तो 2,000 है, तो फिर इसको दुखी और इसको सुखी होना चाहिए, लेकिन सुख दुख उसके आधार से तो है ही नहीं। सुख दुख का ही के आधार से, सुख दुख तो इसके आधार से उसकी डिमांड कितनी थी।
कि वो लाख चाहता था और 100 चलेगा, अरे 8,000 चलेगा चलेगा, तो उसको वो दुख दे रहा है। और उसकी डिमांड 1,000 थी, वो 2,000 मिल गए, मजा आ गया। तो उसे सामग्री के आधार से सुख दुख का रहा। सही, सुख दुख तो डिमांड के ऊपर डिपेंड हो गया ना। इट ओडमली कह रहे, देखो अब इसको फिर से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सत धन के धनी को सहस्त्र धन हुआ, लक्ष्य धन के धन, हाँ लक्ष्य, हाँ लक्ष्य धन के धनी को सहस्त्र धन का व्यय हुआ, तो दुख ही हो गया। और सत धन के धनी को सहस्त्र धन हुआ, मिल गए, तो वो सुख मानता है। इसलिए क्यों, बाह्य सामग्री तो उसके इससे 99 गुनी है, 99 टाइम एक्स्ट्रा है। अथवा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है, तो माने दुख का कारण है इच्छा, और सत धन के धनी को कम इच्छा है तो संतोष है, तो सुखी है। समान वस्त्र मिलने पर कोई सुख मानता है, कोई दुख मानता है। जैसे किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी, किसी को सुखकारी होता है। शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा हुआ, वह इष्ट का संयोग, अनिष्ट का संयोग होने, किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता। एक ही चीज, हाँ टूट गया, अरे यार अब तो जिंदगी भर के लिए लूले हो गए, ऐसा हो गया। एक आदमी को इतना दुख, कोई बात नहीं अब जो होगा सो देखा जाएगा, और तीसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये अपन रोज प्रत्यक्ष देखते हैं कि नहीं देखते हैं। सही है। तीन आदमी की जेब कट जाए, लाख लाख रुपए की, तीन व्यापारी एक साथ जा रहे हों, तीनों की जेब कट जाए, तो तीनों को दुख एक सा होगा नहीं, सबको। क्यों? क्योंकि दुख तो उसके मेंटल लेवल पे डिसाइड करता है। हो सकता है कि जिसके कम पैसा गए हों उसको ज्यादा दुख हो, जिसके ज्यादा पैसे गए हों उसको कम दुख हो, और जिसके सबसे ज्यादा गए उसको दुख ही ना हो। अच्छा रहा, निपटा। सही है, जैसा आया था वैसा लगा। इका है, किसी का कर्जा लिया होगा, देना होगा, छूट गया। ऐसा हम रोज देखते हैं कि नहीं देखते। तो फिर सुख दुख का आधार क्या? सुख दुख का आधार संयोग नहीं, सामग्री नहीं, उसके प्रति आपका मोह कैसा है, उसके प्रति आपका राग द्वेष का विचार कैसा, उसके आधार से सुख दुख की कल्पना खड़ी होती है। सही है। इसलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है। साता असाता का उदय होने पर मोह के परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानते हैं। इसको आप अंडरलाइन करके इसको समझ लो, आप बिल्कुल कंठपाठ कर लो कि सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है। हाँ। और हमारी समस्या है कि हम सुख दुख के लिए सामग्री को इकट्ठा कर रहे हैं। मूल में भूल तो यही हुई ना। हाँ। कि हम सुखी और दुखी होने के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को 24 घंटे सुखी दुखी करने के लिए क्या सिखाते हैं? ये बहुत कठिन बात है जो आपको समझ में आसानी से नहीं आएगी। शब्दों में तो बहुत सरल है, लेकिन हम जिंदगी भर बच्चों को पैदा करते ही क्या सिखाते हैं कि बेटा पैसा कमाना सीखो, पैसा कमाना सीखो, पैसा नहीं कमाओगे तो सुखी नहीं होगे, पैसा नहीं कमाओगे तो सुखी नहीं होगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि पैसा कमाने से सुख दुख है कि काय से सुख है? नक्की करो कि विचार से सुख है। हम विचार की बात तो करते ही नहीं। जैसी ये बात करो तत्काल लोग हमारे ऊपर उछल पड़ते हैं कि ये नहीं गलत बात है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कितनी बड़ा आदमी बना दो, उसको सुख कैसे होगा? पैसे पहाड़ पैसे के ढेर पे बैठेगा तो सुखी होगा कि संतोष के ढेर पे बैठेगा तो सुखी होगा? संतोष, हम संतोष तो सिखाते ही नहीं है। हम तो सिखाते कि पैसा इकट्ठा करो। सही है। मैंने हमारी पूरी शिक्षा, पूरी संस्कार, पूरी मेहनत का एक ही ध्येय रह गया है कि बेटा कैसे भी करके पैसा कमाना, बड़ा आदमी बनना। तो बड़ा आदमी बनना माने क्या करना? मैंने हमने बड़े आदमी की परिभाषा भी एक ही दे रखी है कि जिसका जितना ज्यादा पैसा वो उतना बड़ा आदमी। अरे पैसा वाला बड़ा आदमी ये कदाचित एक परिभाषा हो सकती है, लेकिन ज्ञान वाला भी बड़ा आदमी होता है, ये भी एक परिभाषा है। तप वाला भी बड़ा आदमी है, ये भी एक परिभाषा है। संतोष वाला बड़ा आदमी, ये भी एक परिभाषा है। हमें क्यों नहीं दिखाई देती? सही है। 24 घंटे आप एटमोसफियर इस गेट के बाहर निकल जाओ, इस एटमोसफियर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि सामग्री में सुख है। और टोडरमल जी कह रहे, टोडरमल जी का हमारा अनुभव कह रहा, टोडरमल जी ने तो उसी अनुभव को लिखा है। सही है। और हमारा अनुभव ये कह रहा है कि सामग्री में सुख दुख नहीं है। ये बड़ी ये सुख का कारण कि दुख का कारण? ना सुख का ना दुख का, सोचो। ये हर चीज पे सोचो, वो ब्रांडेड जूता चाहे लोकल जूता, सुख का कारण कि दुख का कारण? जे ब्रांडेड मोबाइल और नॉन ब्रांडेड मोबाइल, ये सुख का कारण कि दुख का कारण? ये ब्रांडेड चश्मा, नॉन ब्रांडेड चश्मा, सुख का कारण? फंक्शनलिटी तो लगभग एक सी है। सही है। कदाचित थोड़ा फर्क हो सकता है, मैं उसका सर्वथा निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आखिरकार मोटा मोटा काम तो वही है। एक लिमिट के बाद वो गाड़ी समझ लो कितनी बड़ी लिया हो जिसमें सेफ्टी फीचर लगभग एक से, फिर उसके बाद वो सुख का कारण के दुख का कारण? नॉर्मल है।
सोचो। तो सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है। हाँ। ये बात घुसनी चाहिए ना दिमाग में। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा सुखी दुखी होना हो तो सामग्री के पीछे मत भाग, कि काय के पीछे भागो, संतोष के पीछे भागो। सामग्री पुण्य का होगा तो अपने आप आएगी, थोड़ी थोड़ी हमें उसे भरोसा ही नहीं होता। पुण्य का हम कहते, मैं कई बार ये बात कहता हूँ, प्रवचनों में भी हजारों बार ये बात कहता हूँ कि हम सब बहुत बड़ी बड़ी भेद ज्ञान की और इस सब की बातें करते हैं, लेकिन हमें तो अभी अपने कर्म सिद्धांत पर भी भरोसा नहीं है। कहाँ तो हम कहते हैं कि आत्मा में कर्म छुए नहीं है, लेकिन कर्म सिद्धांत का भी भरोसा हो जाए तो हमारे जीवन में से अन्याय नीति निकल जाए। सही है। क्यों? कि पुण्य का उदय होगा तो कोई तुम्हें सुखी होने से रोक नहीं सकता, और पाप का उदय होगा तो कोई तुम्हें सुखी कर नहीं सकता। सही है। अगर ये वज्र जैसा अटल सिद्धांत हो तो फिर हमारे जीवन में पापाचार क्यों रहे? सही है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। किसी को सताओगे तो उसका फल तुम्हें बुरा मिलेगा, किसी का हेल्प करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, हमें कहाँ भरोसा है? सही है। 24 घंटे हम करते कहाँ है? नहीं तो हमारे जीवन में न्याय नीति क्यों ना आए? सही है। हमें क्यों अन्याय नीति का में मजा दिखाई देता है? हमें क्यों घूसखोरी में, चोरी करने में, व्हाटएवर, हमें क्यों उसमें दिखता है कि इसके बिना तो काम नहीं होता, इतना तो चाहिए। ये अब फिर वही बात है कि अपन इसका विस्तार करेंगे तो ये प्रकरण ही खत्म नहीं होगा। इसलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं, नहीं है। साता असाता का उदय होने पर प्लस मोह के परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानते हैं, होता है। ये सिद्धांतवाद। यहाँ प्रश्न है, अब एक बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हो रहा है कि वाह सामग्री का तो तुम कहते हो वैसा ही है, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है और पीड़ा ना होने पर सुखी होता है, यह तो शरीर अवस्था के अधीन सुख दुख भाषित होता है। अब आपको एक प्रश्न अभी समझ में नहीं आया, अब मैं आपको इस प्रश्न को समझाता हूँ कि टोडरमल जी का शिष्य अब इस बात को मान गया कि ठीक है पंडित साहब आप ये कहते हो कि सामग्री में सुख नहीं, मैंने मान ली, लेकिन शरीर की अवस्था के परिणाम के अनुसार तो सुख दुख होता है। कि तुम कितने ही कहते रहो शरीर में सुख दुख नहीं होता, लेकिन जब सर दर्द होता है ना तो अच्छे अच्छों की नानी याद आ जाती है। सही है। जब यहाँ दर्द होता है ना तो सबरा वो भेदियन धरा रहता है, समझे, ये सबको रोज अनुभव आता है कि जब अच्छे पेट में मरोड़ हो रही हो तो फिर वहाँ वो दवाई काम आती है, फिर वहाँ ये भेदज्ञान काम नहीं आता। शिष्य का प्रश्न ये है, शिष्य ये कह रहा है कि तुम ये कह रहे हो कि संयोगों से सुख दुख नहीं होता, शरीर भी एक संयोग है, तो बाहर के दूर संयोगों की बात छोड़ दो, भिन्न प्रदेशी संयोगों की बात छोड़ दो, कि ठीक है भी सुख दुख के सीधे कारण नहीं, उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता कदाचित सुख का डायरेक्ट कारण नहीं है। मोह का उदय हो तो सुख दुख का कारण है, नहीं तो नहीं है। लेकिन शरीर में तो ऐसा नहीं है, शरीर में तो उंगली कट जाए तो क्या दर्द होता हम जानते हैं, और कोई मच्छर अभी काटने को बैठे तो तत्काल सुख दुख दिखाई देता है, और तुम कहते कि नहीं अच्छा बुखार चढ़ाओ, और फिर कहो कि देह जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, तो समझ में आता है? फिर तो पैरासिटामोल समझ में आती है। ये शिष्य का प्रश्न है। अब मैं उत्तर पढ़े बिना पहले उत्तर देता हूं कि शिष्य के इस प्रश्न को टोडरमल जी एक्सेप्ट करते हैं, हाँ तुमने कही सही है, लेकिन ये किसके संदर्भ में? कि जिनका थॉट लेवल लोअर लेवल का उनके संदर्भ में तो बात ठीक है, लेकिन जो गहरे तत्व ज्ञान के अभ्यासी हैं उनके संदर्भ में ये कथन सर्वथा ऐसा नहीं है। एक बात तो ये कही, और फिर दूसरी बात ऐसी कही कि ऐसा भी नहीं है कि वास्तव में सुख दुख का कारण संयोग नहीं है, सुख दुख का कारण मोह का उदय ही है। शरीर की प्रतिकूलता में भी सुख दुख का उदय का मुख्य कारण मोह का उदय, इसके लिए उन्होंने दो उदाहरण खड़े किए। एक उदाहरण तो ये कि कोई लड़का क्रिकेट खेल रहा हो, ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, कि कोई लड़का क्रिकेट खेल रहा हो बॉल अच्छी जोर से लग जाए, लग गई तो अब उसको तकलीफ हुई कि नहीं हुई? नहीं, एक दिन बाद पता चलता है। जब तक वो समझ लो शतक बना रहा है, लगातार खेल रहा है, जब तक उसको समझ में नहीं आती, और जैसे ही खेल खत्म होता है वहां तो वो दौड़ रहा था, फिर बैठ जाता, चले ही नहीं जा रहा, कि क्यों, क्या टांग में लग गई। अब क्यों सुख दुख हो गया? कि पहले उपयोग हमारा दूसरी तरफ था, अब उपयोग इस तरफ आया तो हमें वो तकलीफ हो गई। मोह का उदय एक बात। दूसरी बात कि अच्छा खासा बुखार हो और हमारे घर में शादी हो तो सब तैयार हो जाए, ठीक है हमें तो कुछ नहीं, हम तो सही है, चल देंगे, तो भी वो बुखार हमें दिखाई नहीं देता, परेशान तो करता है लेकिन वो उतना परेशान नहीं करता जितना बुखार सामान्य, उसी डिग्री का बुखार हमें सामान्य दिनों में तो मैं पलंग पे से खड़ा नहीं हूं, लेकिन वो ही बुखार जब हमारे घर में कोई फंक्शन हो, चाहे सुख का चाहे दुख का, नहीं आता ख्याल,
समझ लो प्री की मौत हो जाए, हमें भयंकर बुखार भी हो, तो अभी हम ट्रैवलिंग करते हैं, काम करते हैं, देखते हैं, और ऐसा नहीं कि परेशान होकर करते हैं, कदाचित क्यों, क्योंकि हमारा उससे उपयोग हट जाता है। सही, तो सुख दुख का कारण क्या रहा, कि सुख दुख का कारण तो मेन रूप से मोह का कारण है, लेकिन चूंकि देह आपके साथ ज्यादा क्लोजेस्ट है, इसलिए आपने जो बात कही कि शरीर में जो सुख दुख की अवस्थाएं होती हैं वे भी तो सुख दुख का कारण क्या है ना, लेकिन कब तक, जब तक उनके साथ डीप इन्वॉल्वमेंट है जब तक, और जैसे ही उनके साथ डीप इन्वॉल्वमेंट खत्म होता है तो वे सुख दुख का कारण नहीं रह जाती। जैसे मुनिराज चल रहे, तो मुनिराज को ठंडक लग रही है, नहीं नग्न दिगंबर है, सुबह 4 डिग्री टेम्परेचर हो और वे विहार कर रहे हो तो उनको दुख होता है क्या, नहीं, और तुम 3 गद्दे ओढ़ करके बाहर निकलते हो, वो भैया ठंडी 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 ठंडी, क्यों, तुम्हें 3 गद्दों में ठंडी लग रही है और उनको नग्न दिगंबर है, धागा भी नहीं है शरीर पे और ठंडी नहीं लग रही, तो कभी असंगी है, नहीं संगी है, उन्हें सब पता है, उन्हें ज्ञान नहीं है, हो रहा है कि ज्ञान है लेकिन तत्संबंधी कष्ट नहीं है, और तत्संबंधी कष्ट भी है लेकिन कितना, कि जितनी कसाय विद्यमान है उतना कष्ट है और उसके आगे का कष्ट नहीं है, ये हम रोज देखते हैं कि नहीं, तुम्हें दिन में 6-6 बार खाओ तो भी तुम्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती, और वे एक ही बार खाते हैं एक ही बार पीते हैं, ये तो सीधे जीते जाते उदाहरण हमारे सामने है कि नहीं, तो अच्छा तुम दवाई ले लेकर के ठीक नहीं हो पाते और उनको कोई प्रतिकूलता हो तो उनके चित्त में ख्याल में आती, सब चीजों का त्याग है उनके, फिर तो सुख दुख कैसे, सुख दुख फिर अगेन सात आसाता के उदय से, मोह का उदय होने पर सुख दुख है, संयोगों से सुख दुख नहीं है। और फिर जो प्रतिकूलता मुनराजों को ध्यान की अवस्था में आई, उपसर्ग के काल में जो समझ लो उपसर्ग केवली हो गए, इन सब पे कैसे कैसे उपसर्ग हुए, कि कोई को समुद्र में पटक दिया, कोई को पत्थर पे पटक दिया, कोई को कितने सारे केबली है ना, जल सिद्ध थल सिद्ध, ये समय जब अपन सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो उसकी जयमाल में कितने सारे अर्घ हम चढ़ाते हैं, ये सब कैसे हो गए, क्यों, कोई विंतर आया, कोई देव आया, तपस्या कर रहे थे मुनराज, पूर्व जन्म का वो बैरी था, उनने उनको उठाया समुद्र में पटक दिया, वे समझ लो उनका देह विलय हो, उसके पहले केवल ज्ञान हो गया, कर्म का नाश हो गया, सिद्ध शिला में पहुंच गए, बोलो तो कहा उनको देह नहीं है, उनको देह का ज्ञान नहीं है, उन्हें वो मरण मरण की कष्ट नहीं है, अरे उसको जाने दो, हम तुम समाधि मरण जब करते हैं तो फिर 2 आदमी मरते हैं, एक जो अज्ञानी है और एक ज्ञानी, और दोनों एक मरते समय हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम मेरा का होगा, और एक आदमी कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, तो देखो दुख को बर्दाश्त करना अलग बात है और दुख की फीलिंग खत्म हो जाना ये अलग बात है, मैं कह रहा हूँ ये मोह का उदय हो तो दुख फील होता है और मोह का उदय ना हो तो दुख की फीलिंग खत्म हो, मुनिराज के साथ ऐसा है, ज्ञान है दुख की फीलिंग नहीं है, सही है, दुख तो है पर दुख की फीलिंग नहीं, नहीं दुख है ही नहीं ना, क्यों, संयोग दुख का कारण है ही नहीं, सही है, हम मान रहे हैं उनके उनके लिए वो दुख है ही नहीं, हमने तो उसको दुख मान रखा है, तो उनकी वो मान्यता खत्म हो गई तो दुख है ही नहीं, ये बात आपको बहुत गहराई से महसूस करनी पड़ेगी तो आपको ये प्रश्न ख्याल में आएगा, और जब ये प्रश्न ख्याल में आएगा तो उसका उत्तर भी आपको ऐसा ही ख्याल में आएगा। चलिए समाधान, आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है और इंद्रियां शरीर का अंग है, इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। एक फैक्ट, शरीर कैसा है, आत्मा का ज्ञान अभी कैसा है, इंद्रियाधीन है, माने डायरेक्ट नहीं देख रहा है, और भी शरीर का अंग है, इसलिए उसकी अवस्था से वह जानने रूप परिणमित होता है। फिर उसके साथ ही मोह भाव हो तो शरीर की अवस्था सुख दुख का विशेष जानी होता है, अगर ना हो मोह का उदय तो शरीर की अवस्था सुख दुख का विशेष कारण नहीं बनती। चलो, तथा पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे और उसका थोड़ा दुख माने, और उनका दुख होने पर अथवा उनका सहयोग मिटने पर बहुत दुख माने। देखो आगे ना कोई बात के तुम अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कोटा आ गए, सब कुछ बेच बाच के किराए के मकान में रहे, अपने घर के महल को छोड़कर के यहाँ आ गए, और बेटा रात दिन पढ़े हो तो अम्मा और बाप भी लगातार उसके साथ पढ़ाई करें, मेहनत करें, मजदूरी जो भी करें, मजदूरी माने मेहनत करें उसके लिए, वो भी उसके साथ रात रात, क्यों हम सो जाएंगे तो वो सो जाएगा, खुद टीवी देखने का को छोड़ रहे, घूमने जाने को छोड़ रहे, प्रोग्राम ये सब का है, क्यों उसके लिए त्याग कर रहे हैं, तो वो दुख है कि सुख है, दुखी है, लेकिन मान क्या रहा है, तो शरीर की अवस्था को तो प्रतिकूलता है, लेकिन शरीर की अवस्था को प्रतिकूलता होने के बावजूद भी सुख मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि उपयोग डाइवर्ट है, उपयोग अभी पुत्र की तरफ उसमें है, ऐसी पुत्र की शादी के समय कि खुद को खाने नहीं मिले, खुद को समय पे भोजन नहीं मिले, खुद की नींद पूरी नहीं हो तो कोई दुख नहीं है, क्यों, नहीं तो ये दुख नहीं है खूब, लेकिन नहीं होता दुख, क्यों, क्योंकि शादी हमारे घर, हम कैसे सो सकते हैं, सही है।
चार बजे उठ के तैयार होने की तैयारी कौन करने लगता है? अपने आज पंचकर्ण का था तो रात रात कैसे काम किया? अब करा ले कोई काम सही। नहीं कर सकते, क्यों? उपयोग डाइवर्ट है, उसमें एक मिशन है तो नहीं दिखाई देता अपना दुख, इसका दुख नहीं दिखाई देता। सही है। और मुनि है वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते, इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह के ही अधीन है। जो मैंने अभी कुछ देर पहले बात कही, मोह के और वेदनी के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये क्या है निमित्त नैमित्तिक संबंध? अपने इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं कि जब कार्य होने की योग्यता हो तो उसी समय उसकी योग्य निमित्त भी आ जाए। तो नैमित्तिक माने वो उपादान और निमित्त माने निमित्त। तो मोहिनी कर्म नैमित्तिक और ये असाता का होता है निमित्त। कि जब हमें दुखी होने का भाव है, समझ लो ये ऐसा समझो कि जब हमें क्रमबद्ध में हमें दुखी होने का है तो इधर मोह का उदय भी आएगा, उधर मोह के उदय के साथ साथ यहाँ साता या साता का उदय भी चलेगा। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लेना कि कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज नहीं है कि ये दुख रूप है सुख रूप है। सामान्यतः तो ऐसा ही है कि पर्टिकुलर चीज सुख रूप है, पर्टिकुलर चीज दुख रूप है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सुख के साधन में हमें दुख का साधन बन जाते हैं। क्यों? हमारे पाप का उदय आ जाए तो वो जिससे दुनिया सुखी होती है उससे हम दुखी हो जाते हैं। सही है। और पुण्य का उदय है तो जिससे दुनिया दुखी होती है हम उससे सुखी हो जाते हैं। घर में बैठना आनंद का विषय था, जो घर में बैठना दुख का, अब दुख का कारण हो गया। माने जब तक उसको ऐसा लगता था यार एक दिन छुट्टी मिले तो मजा आ जाए, अब 21 दिन की छुट्टी मिल गई अरे यार परेशान हो गए। इसलिए कोई सर्वथा नहीं, क्यों? उसकी आपका थॉट क्या है वो काम करता है। सही है। इसलिए साता असाता के उदय से सुख दुख का होना भाषित होता है, तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय से होती है, कितनी ही असाता के उदय से होती है, इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भाषित होते हैं। माने है ना कैसा अनुकूलता में अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी, अच्छा घर, अच्छा व्यापार, ये सब सुख के निमित्त कहे जाते हैं, और इसके बुरे भी सब दुख के निमित्त कहे जाते हैं। इसलिए सामान्यतः साता साता के निमित्त कहे जाते हैं। लेकिन इस अच्छी पत्नी हो तो सुख होगा, ये कोई नियम नहीं है। सही है। फिर बुरी पत्नी होगी तो दुख होगा, ये कोई नियम नहीं नहीं है। परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है, औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। अगर आपको आगम के वाक्यों में भरोसा तो उसको आप अंडरलाइन करो कि औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है, और हमारी पूरी जिंदगी इसी बात पे चल रही है। अब करो एनालिसिस, आप सुख दुख के लिए किसको जिम्मेवार मानते हो? आप दुखी हो किसके कारण? 1 लाख चीजें हैं। आप सुखी हो किसके कारण? कि दूसरी 1 लाख चीजें हैं। अरे भैया वे कोई चीजें सुख दुख के कारण नहीं है, कि सुख दुख का असली कारण तो वो मोह का उदय और साता साता का उदय है। और मोह और साता साता का उदय ना हो तो फिर ये सुख दुख का कारण नहीं है। मुंह का उदय नहीं हो तो ये साता का उदय भी सुख दुख का कारण नहीं है। किसको ख्याल में आता है? सही है। केवली के साता असाता का उदय भी लो, कितना बढ़िया उदाहरण तत्काल। और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता, इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। ये केवली की कह रहे हैं, अपन इससे थोड़ा नीचे आ जाओ, जब मुनिराज हैं तो मुनिराज को अरिमित्र महल मसान कंचन कांस्य निंदन थुति कर, हम रोज बोलते हैं कि नहीं? तो हम सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं? सही बोलते हैं ना। तो इसका अर्थ क्या है कि मुनिराज को कोई गाली दे तो भी नो रिएक्शन, और कोई पूजा करे तो भी कोई नो रिएक्शन? ऐसा थोड़ी है कि गाली देने वाले को उनको गुस्सा तो आ रही है लेकिन चूंकि मैं महाराज हूं इसलिए मैं गाली देने, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो महाराज ही ना रहे, गुणस्थान गिर जाए। एक्चुअल ऐसा है कि उनके चित्त में वो कसाय भाव आता ही नहीं है। ऐसी प्रशंसा वाले के लिए यार मुझे इच्छा तो हो रही कि इसको गले से लगाऊं, लेकिन अब चूंकि मैं महाराज हूं गले से नहीं लगा सकता, ऐसा थोड़ी होता है। सही है। क्यों? अगर ऐसा हो तो वो गुणस्थान गिर जाए। उनके चित्त में निंदा जीरो रिएक्शन, प्रशंसा जीरो रिएक्शन, तो वो मुनि बनाए बरकरार है। नहीं तो हम ग्रस्तों से भी गए भी तो हो गए। सही है। इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना, इसलिए तू सामग्रियों को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, सो यह उपाय झूठा है। ये परमानेंट उपसंहार, ये सब कर्मों के साथ उन्होंने ये बात कही।
अब एंगल केवल वो ले लिया कि इसलिए मोह के उदय से होता है, इसको झूठ कहना, सच्चा उपाय तो कुछ और है। ऐसे ही यहाँ चूंकि वेदनी कर्म की बात हो रही तो वेदनी कर्म सामग्री में फंक्शन करता है, इसलिए सामग्री को इकट्ठा करने या हटाने से सुख दुख मानते हो, ये फर्जी काम है। तो फिर असली काम क्या है? वो परमानंद उत्तर कि असली उपाय क्या है कि असली उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कर लो। असली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कर लो माने क्या कर लो? कि जैसी वस्तु उसके अनुसार से दृष्टि कर लो, उसके अनुसार व्यवहार कर लो, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो वस्तु कैसी है कि अनादि निरंतर अपने में परिणमित हो रही है, कोई किसी को परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता, ऐसी वस्तु है। सब यहाँ एक प्रश्न बार बार उत्पन्न होता है, आप कह रहे जो उपाय कर रहे हैं यहाँ भी, ये भी लिख रहे झूठे हैं, आप भी कह रहे फर्जी हैं, तो बस एक जो पंडिताई वाली बातें हैं, आपको पूरी दुनिया गलत ही क्यों दिखती है? पंडितों जितने पंडित हैं, जितने विद्वान हैं, आचार्य हैं, उन्हें पूरी दुनिया जो कर रही है उसके सारे उपाय झूठे दिखते हैं, और जो आप कह रहे हैं बस वो ही सही है, हमारे सारे उपाय झूठे हैं। नहीं नहीं, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया और मैं उसका एक बहुत विनम्र समाधान आपको देता हूँ। पहली बात तो ये आरोप हम पे गलत लगाया जा रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि सब झूठा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सब झूठा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आप एक आदमी ढूंढ के लाओ पूरी दुनिया में से जो ये कहे कि मैं सुखी हूँ, परमानंद सुखी, बताओ मुझे। सब प्रकार के लोगों में से कोई किसी कारण दुखी, कोई किसी कारण दुखी, तो आखिरकार फिर सुखी कहाँ है? वो कह रहे कि मैं सुखी हो रहा हूँ लेकिन एक्चुअल तो सुख नहीं मिल रहा है ना, तो अर्थ क्या है? माने मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ में, कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट से सेट होती है कि नहीं होती? होती है भाई। आप 10 बार एक काम को करो और 10 बार वो काम फेल हो जाए तो ये निक्की हुआ ना, ये काम से नुकसान होता है। तुम जहर खाओ और 10वीं बार खाओ, 10वीं बार मर जाओ तो सिद्ध होगा ना, ये बात स्थापित हो जाएगी कि जहर मौत का कारण है। सही है, हैं? और कोई दवाई खाओ उसे हर बार बच जाओ तो स्थापित होगा कि वो दवाई जिंदगी का कारण है। यही मैं कह रहा हूँ कि सामग्रियों के इकट्ठा करने से जिनने अपने आप को कि मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा माना और उन्हें जीवन भर सामग्रियां इकट्ठी की, अभी जिनने इकट्ठी नहीं की उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको छोड़ दो, पर जिनने इकट्ठी कर ली उनसे पूछ के, उनसे सर्टिफिकेट लाओ कि आई एम फुल सुखी, तो मैं अपनी बात को विड्रॉ कर लूंगा। क्योंकि कोई शास्त्र कोई बाहर से थोड़ी बनाए गए, शास्त्र भी तो उसी समाज से बने हैं। एक बात अब इसके अपोजिट जाओ कि जिनने इस चीज को सोच लिया, अच्छा जिनने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि सामग्री सुख दुख का कारण नहीं, बेसुखी, उसमें से एक आदमी ढूंढ के लाओ जो ये कहे कि मैं दुखी। सही है, तो बताओ हमारे जितने मुनिराज, हमारे जितने सम्यक दृष्टि, हमारे जितने वंचम गौण स्थानवर्ती जो सब हैं, सब ये कहते कि मैं सुखी। मैं तो दूसरों की बात करने से कोई लाभ नहीं है। हमारे 24 तीर्थंकरों में कौन गरीब था? कोई नहीं था। किसका संपत्ति की कमी थी? लगभग सब राजा थे और तीन तो तीन तीन पोस्ट के धारी थे, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, शांतिनाथ, कुंतुनाथ। तो माने कामदेव माने खूबसूरत भी इतने के लिमिटलेस, और चक्रवर्ती माने पैसा भी इतना के लिमिटलेस। सही है। अब बोलो फिर क्यों नहीं सुखी हो गए? कि जो संसार विशेष खो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। एक बात, ये तो सैद्धांतिक बात। अब व्यवहारिक बात करो, मैं कह रहा हूं जितने बड़े बड़े से बड़े आदमी हैं, वे बड़े से बड़े आदमी भी आखिरकार अध्यात्म की दृष्टि की ओर क्यों लौटना चाहते हैं? सही है। अब मैं तत्काल अभी मेरे दिमाग में कोई भी नाम नहीं है, पर जितने बड़े से बड़े आदमी हैं वे आखिरकार सुख के लिए अध्यात्म की ओर आना चाहते हैं। अध्यात्म माने क्या? अध्यात्म माने ये बहिर्मुख दृष्टि का त्याग ही तो है। क्या रे, सब में कुछ लाभ नहीं है, दुनिया जय जयकार करेगी लेकिन उस जय जयकार से मेरे को क्या? मेरे पास अरबों डॉलर हैं लेकिन उन अरबों डॉलर से मेरे को क्या? सही है। माने वो सुख के लिए कहीं और सोच रहे ना। और दुनिया में जितनों को भी सुखी कहा गया अथवा जिनको सुख के एंगल से देखा गया वे सब धर्म गुरु हैं। यद्यपि इस बात पे भी बहुत झगड़ा है कि धर्मों में सबसे ज्यादा लड़ाई है, बाकी जगह लड़ाई नहीं है। तो क्या करें, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी व्याख्या करता है, हमें उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जैन धर्म के संदर्भ में ये बात बहुत गहराई के साथ स्थापित होनी चाहिए कि इसका आध्यात्मिक पक्ष को आप फील करके महसूस करो। फील करके महसूस करो, आपको एक्सेप्ट होता तो एक्सेप्ट करो, नहीं होता तो हम कब कह रहे कि आप उसको एक्सेप्ट करो, छोड़ दो ना। सही है। हम अपने अनुभव से तो मानेंगे, हमारा अनुभव क्या कहता है?
इसलिए ये जो आरोप आपने लगाया कि नहीं साहब आप तो सब संपत्ति वालों को जिनको पास लौकिक अनुकूलता उनको आप बुरा कहना चाहते हो, उनको सुखी नहीं है ऐसा ही कहना चाहते हो और आप तो अपनी बात को खड़ा करना चाहते हो, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सुख दुख की एक्चुअल ड्राइविंग क्या है, उसका एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स क्या है उसकी बात कर रहे हैं कि सुख दुख का एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स वो थॉट प्रोसेस है, सही है, जिसको हम शास्त्रों में मोह के उदय के नाम से कहते हैं कि कोई भी चीज के प्रति आपका जैसा थॉट है वो चीज आपको वैसी महसूस होगी और वैसी महसूस नहीं होगी। मैं कहता हूँ डाकू बड़े क्रूर से क्रूर पापी अपराधी वो सर्वथा बुरा है, नहीं है ना, वो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, सही है, और कुछ लोगों के लिए बुरा भी है। तो आप उसको बुरे के एंगल से देखते हो तो आपके लिए बुरा दिखाई देता, आप उसको अच्छे के एंगल से देखते हो तो अच्छा दिखाई देता, तो वो है क्या? है तो वो जो सो वो है, हम उस बहस में नहीं पड़ रहे। सही है। आज हम बिल गेट्स वगैरह की बात करें जो दुनिया के सबसे रईस लोग हैं, पहले वो इकट्ठा करने में अपने आप को खुशी महसूस कर रहे थे, आज देने में अपने आप को हैप्पी महसूस कर रहे हैं। फिर बोलो तो सामग्री इकट्ठा करना सुख का कारण है कि सामग्री को छोड़ना सुख का कारण? आज वो दे के खुशी है भाई, दे के हमने कुछ अच्छा काम कर लिया। फिर इसलिए ये कई बार क्या होता है कि हम अपने हृदय के डार्कनेस को इस प्रकार के तर्कों से बचाने की कोशिश करते हैं कि साहब ये तो धर्म की बात है, ये तो सबको बुरा कहने की आदत ही है, कोई भी धर्म गुरु के पास जाओगे तो वो यही कहेंगे। इससे हम वो अपने मन के डार्कनेस को रोक लेते हैं। सही है। लेकिन हम ईमानदारी से एक बार अपने मन के जो हमारे थॉट हैं उनको एक तरफ रखें, माने अपने आग्रहों को एक तरफ रख करके हम तत्व की दृष्टि से अगर कोई चीज़ को देखेंगे तो हम किसी सही निर्णय पर पहुँच सकेंगे, और फिर हम इसी निर्णय पर पहुँचेंगे कि वस्तुएं सुख दुख का कारण नहीं है, सुख दुख का कारण तो उनके प्रति अटैचमेंट है। सही है। जैसा अटैचमेंट होता है वो उतनी गहराई से हमें सुख दुख का वेदन कराती हैं, जितना कम अटैचमेंट होता है उतना सुख दुख का वेदन भी नहीं कराती। हमारे पास भी 100 चीज़ें होती हैं, 100 चीज़ें 100 सुख दुख का कारण नहीं बनती। कोई चीज़ के साथ गहरा अटैचमेंट होता है वो चली जाए तो बहुत तकलीफ होती है, और कोई चीज़ तो कोई बात नहीं चली गई तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये महसूस हम रोज करते हैं कि नहीं करते हैं? सही है। इसलिए यार वो बिल्कुल सही नहीं है कि साहब आप उनको बुरा कहना चाहते, हम बुरा बिल्कुल नहीं कहना चाहते, लेकिन आखिरकार परमानेंट सुख की खोज अगर हमें करनी हो तो हमें तत्व दृष्टि की बात तो करनी पड़ेगी ना। और समस्या हमारी ये है कि हम सब ने एक मत से सुख के नाम पे पैसे को होने को ही सुख मान रखा, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? और उसका कारण भी है क्योंकि पैसे से सब चीज खरीदी जा सकती है, हमारे दिमाग में ऐसा है। पर पैसे से सब चीज खरीदी जा सकती होगी लेकिन पैसे से सुकून नहीं खरीदा जा सकता। सही है। और सुख तो सुकून में है, सुकून का नाम है, तो सुकून के लिए क्या चाहिए? कि सुकून के लिए संतोष चाहिए, मोह का अभाव चाहिए। सही है। तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शनादि से भ्रम दूर हो। ये परमानेंट उपाय, अब इसको अपन इसलिए एक्सप्लेन करने की ज्यादा कोशिश नहीं करें। हाँ। सम्यक दर्शनादि से भ्रम दूर हो तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता। मतलब भ्रम से सामग्री में सुख दुख भाषित हो रहा है, जब भ्रम का पर्दा हटेगा तो सामग्री से सुख दुख खत्म हो जाएगा। अपने परिणाम ही से भाषित होता है तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी ना हो वैसे साधन करें तथा सम्यक दर्शनादि की भावना से ही मोह मंद हो जाए तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। जे हमारे मुनिराजों की दशा। तब एक शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है, यह सच्चा उपाय है। इसको आप पढ़ो, आपको मजा आएगा। अब विस्तार तो अपन कई बार कर चुके इसलिए मैं अभी जानबूझकर उसका विस्तार नहीं कर रहा हूं। इस तरीके से हमने वेदनी कर्म के उदय से होने वाले दुख और उसके झूठे झूठे उपाय और उनसे बचने का सच्चा उपाय क्या है, इन सबकी चर्चा की। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी अगली चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र।